पालघर जिले के बोईसर के चित्रालय में अज्ञात डकैतों ने रात में गैस कटर से मंगलम ज्वेलर्स नामक ज्वेलर्स की दीवार और तिजोरी काटकर ज्वेलर्स में रखे करीब 7 करोड़ के 14.5 किलो का सोना और 60 लाख रुपया लूटकर फरार हो गए। इस डकैती से ज्वेलर्स मालिक श्रीरंग पाटिल और उनका परिवार काफी सदमे में है। डकैती के दौरान डकैतों ने ज्वेलर्स में लगे सीसीटीवी कैमरे का और सायरन का वायर पहले ही काट दिया था। वहीं इस घटना के बाद बोईसर के ज्वेलर्स व अन्य दुकानदारों को अपने जानमाल की चिंता सताने लगी है। इस डकैती की घटना की जानकारी मिलते ही पालघर की पुलिस अधीक्षक, स्थानीय पुलिस, फॉरेंसिक टीम, क्राइम ब्रांच पुलिस और डॉग स्क्वाड की टीम घटनास्थल पर पहुंचकर जांच में जुट गई। साथ ही वहीं ज्वेलर्स व आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। इस फुटेज में 5 से 7 संदिग्ध लोग दिखाई दे रहे हैं, जिनकी तलाश में पुलिस जुट गई है। इस घटना के बाद से इस बिल्डिंग का वॉचमैन फरार है, जिसके कारण इस डकैती में वॉचमैन के शामिल होने की शंका जताई जा रही है। मंगलम ज्वेलर्स मेरा नाम है। ये हम लोग दुकान शाम को कल बंद करके निकल गए थे जॉब करके। अभी सुबह लड़का आके दुकान खोला और ऊपर जाके देखा ग्राउंड प्लस वन दुकान है, तो बस देखा तो सेफ पूरा काटा हुआ दिख रहा था और उसमें से सब माल सब इधर उधर खाली ट्रे फैले हुए थे, उसमें सब सोना लेके गए हैं। ड्रावर खोल के सब कैश रुपये ले लिए। कितना सोना रहा होगा? 12-14 किलो के आसपास सोना होगा। 50,000 लगभग कैश था। दोनों थोड़ा मेरा ऐसा घर का भी पैसा थोड़ा था। सर आपको किस पे डाउट तो अभी किस पे नहीं, वो वॉचमैन जो था वो तो गायब ही है, जो उसको पकड़े के तो भी मालूम पड़ेगा। बाकी कैसे डाउट